वन आज हम 12th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन पर एक क्वेश्चन जो कि रिलेशन बेस्ड है सॉल्व करने वाले हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन है मगर इससे तमाम डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन हमारा है a इज इक्वल टू सेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड रिलेशन डिफाइन है 1 2 3 4। कह रहे हैं कि r ट्रांजिटिव है कि नहीं है, इज ऑल ट्रांजिटिव। क्या हमारा दिया हुआ दैट सेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 हमारा सेट है और रिलेशन इन a दैट इज आर प्रॉम ए टू ए है, आर प्रॉम ए टू ए दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू 1 2 1 2 कामा 3 4। रिलेशन में दो एलिमेंट है 1 2 3, ट्रांजिटिविटी चेक करना है तो लिखेंगे फॉर ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव क्या है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। अगर किसी रिलेशन में ए बी है और बी से शुरू होने वाला बी सी है तब उसमें ए सी जरूर होगा, और जब ए सी होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। जैसे अगर किसी सेट में 1 2 है, 2 3 है और तो देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 1 3 भी उसमें होना चाहिए, यानी 1 2 2 3 तो 1 3, तो ये डिफाइन डेफिनेशन लागू हो रही है कि ए बी है और बी सी है तो हमारा ए सी भी मिल रहा है। इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव कहेंगे। इस डिफिनेशन से क्लियर हुई बात। बट यहां पर देखिए क्वेश्चन में 1 2 है मगर इससे 2 से शुरू होने वाला, 2 से शुरू होने वाला इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। जब 2 से शुरू होने वाला एलिमेंट इसमें नहीं है तो ये कैसे एग्जिस्ट करेगा, यानी ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, हम कह सकते हैं भाई रिलेशन नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। लेकिन यहां पर गौर करने की बात है, इस पर ध्यान देने की बात है, ट्रांजिटिविटी हमको चेक करना है। अगर इसमें 1 2 है और 2 से शुरू होने वाला नहीं है तब भी रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। इसको देखिए, बट इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दिस इट इम्प्लाइज दैट वी विल नॉट चेक ए सी, यानी हम ए सी का पता ही नहीं निकालेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइज दैट रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। रिलेशन हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। बात समझिए, ए बी अगर है और बी से शुरू होने वाला एलिमेंट नहीं है तो वो जो है क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तब इस फॉर्मूले को हम नहीं लगाएंगे, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। हाँ, अगर ए बी था, यहाँ पर देखिए 1 2 अगर यहाँ पर ऐसे होता, 1 2 है और 2 से शुरू होने वाला भी है यहाँ पर, तब हम जो है 1 3 निकालेंगे। अब 1 3 इसमें आ रहा है, अगर 1 3 ना आता जैसे ऐसे होता, ये देखिए ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है। बट अगर r इक्वल टू ऐसे होता 1 2 2 3 ऐसे होता तो देखिए 2 है यहाँ पर, यहाँ भी 2 है, तो 1 3 होना चाहिए इसमें। बट 1 3 इसमें नहीं है, जब 1 3 नहीं है ये जो है क्या होगा, ट्रांजिटिव
ट्रांजिटिव नहीं होगा ये, और ये जो है ट्रांजिटिव होगा। तो क्लियर बात बहुत क्लियर हो जानी चाहिए कि वन टू तो है मगर टू से शुरू होने वाला इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो लिखा हमने कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी डज नॉट बिलोंग टू आर, तो हम जो है एसी निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, एसी पता करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा। तो ऐसे भी ले सकते हो, सिंस वन टू बिलोंग्स टू आर बट टू कामा कोई एलिमेंट होगा डज नॉट बिलोंग टू आर। ऐसे ही थ्री फोर बिलोंग्स टू आर बट फोर से शुरू होने वाला इसमें एलिमेंट जो है ही नहीं, इम्प्लाइज दैट रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। ये बहुत ज्यादा बच्चों को डाउट रहता है, इस पर बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। आप इस फार्मूले को आपको याद ही होगा मगर इसे भी याद कर लेना, ये दूसरा वाला इसमें लगा हुआ। क्लियर, इस तरह से हमारा क्वेश्चन का सलूशन हो गया।